हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोबाइल एकेडमी। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे, पिछली क्लास में हमने पढ़ा है इज मैटर अराउंड अस प्योर, जिसमें हमने मिक्सचर के बारे में पढ़ लिया था, मिक्सचर्स की डेफिनेशन पढ़ ली थी, दोनों टाइप के मिक्सचर पढ़ लिए थे, सॉल्यूशन के बारे में कुछ पढ़ लिया था। अब हम उसके आगे जो बच जाते हैं टॉपिक्स, सस्पेंशन एंड कोलोइडल सॉल्यूशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमने क्या पढ़ा था कि मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सचर होते हैं दो या दो से ज्यादा, जब हम पदार्थों को मिलाते हैं तो जो नया कंपाउंड बनता है वो मिक्सचर कहलाता है। अब बेसिकली मिक्सचर हम लोगों ने कितने तरह के पढ़े हैं? दो तरह के पढ़े हैं, होमोजीनस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनस। होमोजीनस के बारे में तो आपने पढ़ ही लिया है कि सॉल्यूशन होमोजीनस मिक्सचर के अंदर आते हैं और उसमें आपका जो सॉल्ट सॉल्यूशन होगा, सुगर सॉल्यूशन होगा, जो पूरी तरह से मिक्स हो जाने वाले मिक्सचर्स रहते हैं वो आपके होमोजीनस में आएंगे। अब हम पढ़ेंगे कि हेट्रोजीनस क्या होते हैं। तो हेट्रोजीनस में क्या होता है कि जो दोनों पदार्थों को हमने मिलाया है वो पूरी तरह से डिजोल्व नहीं होते, इसलिए इस कैरेक्टर के बेस पे हमने उनको दो तरह के पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसका मतलब है कि मिक्सचर दो पार्ट्स में होते हैं, होमोजीनस या दो टाइप के होते हैं, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। फिर उसका सब डिवीजन किया गया है, होमोजीनस में आते हैं सॉल्यूशंस एंड हेट्रोजीनस में आते हैं सस्पेंशन एंड कोलोइडल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? सस्पेंशन की। तो सस्पेंशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो हम सबसे पहले सस्पेंशन की डेफिनेशन लेंगे कि सस्पेंशन होता क्या है। सस्पेंशन क्या है? एक तरह का हेट्रोजीनस मिक्सचर है। तो ऐसे हेट्रोजीनस मिक्सचर जिसमें पार्टिकल्स जो मीडियम होता है, जैसे हम सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट ले रहे थे, वैसे ही सस्पेंशन में भी होता है। तो जो मीडियम होता है उसमें पार्टिकल्स पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होते हैं, वो सस्पेंडेड रहते हैं। सस्पेंडेड रहते हैं का मतलब क्या है कि जैसे अगर आपने मार्केट से आप सस्पेंशन सिरप लेके आए, मेडिसिन लाए जो कि एक सस्पेंशन है, तो जब आप बॉटल लेके आएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें जो मीडियम है ट्रांसपेरेंट वो आपको ऊपर दिखाई देगा और जो उसमें सॉल्यूट था या सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे वो नीचे सेडिमेंट रहते हैं, नीचे बैठे रहते हैं। जब हम उस बॉटल को शेक करते हैं तो बिकॉज ऑफ शेकिंग उस टाइम के लिए केवल वो पार्टिकल्स उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, सस्पेंडेड हो जाते हैं। लेकिन जब हम उसको अनडिस्टर्ब रख देते हैं या फिर उस बॉटल को थोड़ी देर के लिए रखा रहने देते हैं तो अगेन वो पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं और जो मीडियम होता है वो हमको ऊपर दिखाई देता है। तो वो आपके किस में आ जाएंगे? सस्पेंशन में आ जाएंगे। तो सस्पेंशन की डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी मार्केट में सिरप्स आएंगे या फिर आप रेत और पानी का मिक्सचर बना लेंगे तो उसमें भी रेत नीचे बैठ जाएगी थोड़ी देर बाद और पानी ऊपर रह जाएगा। हम स्पून से इसको हिलाएंगे थोड़ी देर, उसमें रेत के पार्टिकल्स सस्पेंडेड दिखाई देंगे पूरे मीडियम में, बट आफ्टर सम टाइम वो फिर से नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके सस्पेंशन और उसके एग्जाम्पल हो गए। अब सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? तो सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज जैसे आपने सॉल्यूशन में प्रॉपर्टीज क्या पढ़ी हैं कि पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, इसमें पार्टिकल साइज बड़ा होता है, इसलिए हमको पार्टिकल्स जो होते हैं वो नेक्ड आई से विजिबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि सस्पेंशन क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या हैं, उनके प्रॉपर्टीज क्या हैं। सेम एज कोलोइडल सॉल्यूशन के साथ होता है सस्पेंशन, जैसा कि अभी हम लोगों ने पहले देखा है जब आप चार्ट देख रहे थे कि सस्पेंशन और कोलोइडल मिक्सचर दोनों ही हेट्रोजीनस मिक्सचर में आएंगे। लेकिन फिर उसमें डिफरेंस क्या होगा? तो डिफरेंस ये होगा कि जो पार्टिकल साइज होता है कंपैरेटिवली कोलोइडल सॉल्यूशन में कम होता है,
छोटा होता है उसका पार्टिकल साइज, लेकिन सस्पेंशन का पार्टिकल साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। सस्पेंशन में अगर हम उसको अनडिस्टर्ब रखते हैं, उस मिक्सचर को, उसको शेक नहीं करते हैं बॉटल्स को, या उसको स्टिर नहीं करते हैं किसी एपरेटस से, तो वो पार्टिकल्स नीचे बैठ रहते हैं। बट कोलोइडल सॉल्यूशन के साथ ऐसा नहीं होता है, उसमें पार्टिकल्स थ्रू आउट द मीडियम सस्पेंडेड हमेशा ही रहते हैं, चाहे हम उसको शेक करें, स्टिर करें या ना करें। तो ये एक डिफरेंस होता है, लेकिन दोनों में ही पार्टिकल जो मीडियम होता है उसमें जो पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं, वो सस्पेंशन हो या कोलोइडल मिक्सचर, दोनों में ही हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक आप पढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जैसे अगर आपके घरों में रोशनदान है और रूम में आप अंधेरा है बैठे हैं, सुबह का समय है, सनलाइट आ रही है उस रोशनदान से, तो उस सन रेज में आपको छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एनवायरनमेंट में, वो डिस्पर्स दिखाई देते हैं, तो ये टिंडल इफेक्ट कहलाता है। इसको टिंडल नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए उनके नाम पर ये इफेक्ट पड़ा। कभी कभी टिंडल इफेक्ट को डिफाइन करना या आप कैसे ऑब्जर्व करते हैं, एक या दो मार्क्स में पूछा जाता है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको सस्पेंशन और कोलोइडल सॉल्यूशन समझ में आया। कोलोइडल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल बहुत सारे रहते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन समझने के लिए आपको उसके दोनों मीडियम्स को समझना होगा। जैसे सॉल्यूशन में आप पढ़ते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, वैसे ही कोलोइडल सॉल्यूशन में होता है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम। देखिए, तो कोलोइडल सॉल्यूशन में मैंने आपको क्या बोला कि दो होते हैं, जैसे सॉल्यूशन में सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट होते हैं, वैसे ही कोलोइडल सॉल्यूशंस में, कोलोइडल मिक्सचर्स में जो सॉल्वेंट होता है उसको हम डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं, और जो पार्टिकल्स होते हैं उसको हम डिस्पर्स्ड फेस कहते हैं। ठीक है, जो पार्टिकल सस्पेंडेड रहेंगे पूरे मीडियम में, दैट इज डिस्पर्स्ड फेस, और जो जिस मीडियम में डिस्पर्स रहेंगे, जिस सॉल्वेंट में डिस्पर्स रहेंगे, उसको हम डिस्पर्सिंग मीडियम कहेंगे। डिस्पर्स का मतलब होता है कि फैले हुए रहेंगे या उसमें डिजोल्व रहेंगे, बट वो पार्टिकल्स हमको दिखेंगे। तो इसके बेस पे कई तरह के कोलोइडल सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल होते हैं, जिसमें से जेम स्टोन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क, स्मोक, फॉग, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कई बार एग्जाम के एग्जाम्पल के ना तौर पे ना होके, एरोसॉल, इमल्शन, सोल, ऐसे भी पूछा जाता है, सोल नहीं सॉल पढ़ते हैं इसको, इस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, तो इमल्शन को डिफाइन करने के लिए भी पूछा जाता है। तो जैसे अगर आपसे पूछा जाता है कि जेम स्टोन क्या है, तो ये एक कोलोइडल मिक्सचर है। जेम स्टोन क्या है, एक कोलोइडल मिक्सचर है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो डिस्पर्स्ड फेस होती है वो सॉलिड होती है, और जो डिस्पर्सिंग मीडियम होता है वो भी सॉलिड होता है। ठीक है, तो जब दोनों ही फेजेस सॉलिड हो, तो उसके एग्जाम्पल में आपका जेम स्टोन, कलर्ड सोल आता, कलर्ड जेम स्टोन जो होते हैं, जो हम अंगूठियां, रत्न पहनते हैं वो, तो इस तरह के टाइप को हम सॉलिड सॉल कहते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन में इस तरह के टाइप को हम सॉलिड सॉल कहते हैं। और सॉल किसको कहते हैं, जब डिस्पर्स्ड फेस सॉलिड हो और मीडियम कैसा हो, लिक्विड, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो हमारी मेडिसिन्स आती हैं मार्केट में, जैसे एसिडिटी की जो आती हैं, जेल्यूसिल वगैरह, वो एक तरह से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही होता है। उनको हम एंटासिड बोलते हैं, क्योंकि वो एसिडिटी के का एंटीडॉट होते हैं, एंटा होते हैं, उल्टे होते हैं इसीलिए। ठीक है, इस तरह से इमल्शन क्या होता है, ये भी पूछा जाता है। जब दोनों फेजेस कैसी होती हैं, लिक्विड होती हैं, तो मिल्क आपने पढ़ा है कि मिल्क एक मिक्सचर है, किसका, वाटर, फैट एंड प्रोटीन का। तो मिल्क एक तरह का क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन। हम लोगों को वो कैसे दिखता है, एक होमोजेनस मिक्सचर की तरह, लेकिन वो एक कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। अब आप पूछेंगे कि मिल्क एक कोलोइडल सॉल्यूशन क्यों होता है, तो मिल्क क्या होता है, एक कोलोइडल सॉल्यूशन। देखिए, जैसे नॉर्मली हम मिल्क को देखते हैं तो वो हमें एक होमोजीनस मिक्सचर टाइप दिखता है, उसमें हमें कोई पार्टिकल्स नहीं दिखते हैं। लेकिन आपने देखा होगा घरों में जो मम्मी होती हैं या जो बड़े लोग होते हैं
लेडीज होती हैं वो दूध से मलाई को निकाल करके फिर क्या करती हैं, उससे मक्खन निकालती हैं, घी बनाती हैं। तो ऐसे केसेस में ये सब हमको किससे मिल रहा है, मिल्क से। तो सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक आपने सुनी होगी, जैसे वो मथते हैं उसको कई बार मलाई को इकट्ठा करने के बाद उसमें पानी मिला के कई देर तक उसको मथते हैं तो उसमें क्रीम ऊपर आ जाती है ना। तो इसमें ये सारी चीजें जब हम इंटेंसिव टेक्निक जिसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं ऐसी टेक्निक से सेपरेट करने की कोशिश करते हैं तो वो कोलोइडल सॉल्यूशन के साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर सिंपल सॉल्यूशन है तो ये चीजें नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो जब हम जैसे आपने सस्पेंशन पढ़ा तो सस्पेंशन में हम दोनों फेज दोनों जो पदार्थ जिनसे मिलके वो सस्पेंशन बना है उसको नॉर्मली हम फिल्ट्रेशन सीविंग इन टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन कोलोइडल सॉल्यूशन को सेपरेट तो हम कर सकते हैं बट हमें इंटेंसिव टेक्निक्स की जरूरत होती है, जैसे जिसको हम एक टेक्निक कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, है ना, जो मिल्क के केस में यूज होती है। तो इस तरह से आपके कोलोइडल सॉल्यूशन हो गए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेपरेटिंग टेक्निक्स। सेपरेटिंग टेक्निक से हमारा क्या मतलब है कि जो होमोजीनस को तो हम सेपरेट नहीं कर रहे हैं, हमें किसको कर रहे हैं, हम किसको कर रहे हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर्स को। अब इनमें किस तरह के कंपाउंड हैं उसके बेसिस पे इनको अलग अलग टेक्निक से सेपरेट किया जाता है। तो आपके कोर्स में काफी सारी टेक्निक्स हैं, जैसे इवेपोरेशन है जो सिंपल टेक्निक है, आप नाम से ही समझ रहे होंगे इवेपोरेशन, वाष्पीकरण, क्रोमैटोग्राफी है, सेंट्रीफ्यूगेशन है, डिस्टिलेशन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। ये सारी टेक्निक्स हमको थोड़ा सा डीप में एक एक करके पढ़ना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इवेपोरेशन क्या टेक्निक है, इवेपोरेशन किस चीज के लिए यूज होगा। तो इवेपोरेशन वो टेक्निक है जिसमें जो एक कंपाउंड कैसा होगा वॉलेटाइल और दूसरा कैसा होगा नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल से हमारा मतलब है जो उड़ जाता है गर्म करने से, जो उड़ जाता है, और नॉन वॉलेटाइल जो नहीं उड़ता। वॉलेटाइल कंपाउंड जैसे पानी है, अगर आप पतीले में पानी भर के रखेंगे कई देर तक गर्म करेंगे तो वो उड़ जाएगा, तो वो एक वॉटर कैसा कंपाउंड हो गया, एक वॉलेटाइल कंपाउंड हो गया। ठीक, तो जब पानी में जैसे इंक डिसॉल्व है, अब आपको इंक को सेपरेट करना है तो आप इवेपोरेशन टेक्निक का यूज करेंगे, क्योंकि वाटर क्या होगा वॉलेटाइल हो जाएगा, हम गर्म करेंगे और इंक हमको इंक के क्रिस्टल्स अलग से इंक जो होगी वो अलग से मिल जाएगी क्योंकि वो नॉन वॉलेटाइल हो गया। तो ये आपकी इवेपोरेशन टेक्निक हो गई। इसके अलावा मिल्क के बारे में हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से हम मिल्क को क्या करते हैं, उसके फैट को निकाल लेते हैं, है ना, जिसका हम आगे यूज कर सकते हैं। तो ये आपकी हो गई सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट टेक्निक हम पढ़ेंगे थ्रू सेपरेटिंग फनल। तो समझिए सेपरेटिंग फनल से हम किस तरह के मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं। तो सेपरेटिंग फनल से हम ऐसे मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं जो एक दूसरे में बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होते, जो एक दूसरे में कैसे होते हैं इमिसिबल, एक दूसरे से मिक्स नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो वो हो जाएगा आपका ऑयल और वाटर का मिक्सचर। अगर आप ऑयल और वाटर को मिक्स कर देंगे तो ऑयल की जो ड्रॉपलेट्स होंगी वो पानी के ऊपर आ जाएंगी, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहां से वाटर और ऑयल के मिक्सचर को पोर कर देते हैं। ये स्टॉप कॉक है जिससे अभी ये बंद हुआ है। तो यहां पर क्या होगा, पानी की और ऑयल, कोई भी ऑयल जो भी लिया हुआ है वो ऑयल ऊपर आ जाएगा और पानी नीचे आ जाएगा। फिर हमें जैसे पानी को सेपरेट करना है तो हम इस कॉक को घुमा देंगे, तो ये जो पानी होगा इस लेवल तक है, तो हम यहाँ पर कोई भी बीकर या कुछ भी ग्लास रख लेंगे और वो वाटर जब तक इस लेवल तक ना आ जाए हम सेपरेट कर लेंगे और सेपरेटिंग फनल में क्या रह जाएगा, केरोसिन। तो जो भी इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं उनको हम सेपरेटिंग फनल से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जब ऐसे
कंपाउंड्स जो डायरेक्ट किस में बदल जाते हैं, सॉलिड से गैस फेज में। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कैसे सेपरेट करते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम सेपरेट करते हैं सब्लिमेशन की टेक्निक से। ये देखिए, जैसे आप लोगों को सभी की बुक में होगा, नीचे से इसमें क्या हो रहा है, हीट को प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पर एक चाइना डिश है जो गर्म करने पे टूटती नहीं है, सभी लेबोरेटरीज में अवेलेबल होती है। उसमें आपने अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का मिक्सचर रख दिया, अमोनियम क्लोराइड बोल सकते हैं आप, या जैसे डेली रूटीन लाइफ में आपने कपूर को देखा होगा, अगर उसको जला देंगे, कपूर कैसा होता है, सॉलिड होता है, लेकिन जैसे ही हम उसको जलाते हैं तो वो क्या होता है, पूरा हवा में उड़ जाता है। इसी तरह से अमोनियम क्लोराइड होता है। तो जब हम उसको गर्म करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड जब सॉल्ट के साथ मिक्स होता है, मिक्सचर होता है, तो जब हम उसको गर्म करते हैं तो वेपर्स निकलती हैं अमोनियम क्लोराइड की, क्योंकि वो सॉलिड से कैसे चेंज होगा, गैस में। ऐसे ही कंपाउंड सिर्फ सब्लिमेशन से सेपरेट किए जाएंगे गैस में। और उस क्योंकि ऊपर आपने उसको किससे बंद कर रखा है, कॉटन प्लग रखा लगाया है, ये है क्या एक फन, वो है फनल है जिसको हमने उल्टा करके चाइना डिश के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। ऊपर से आपने कॉटन लगा दिया तो वेपर्स धीरे धीरे यहाँ पर जम जाएंगी और आपको सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम सब्लिमेशन टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं। जनरली पूछा जाता है कि अमोनियम क्लोराइड के सॉल्ट के साथ मिक्सचर को किस टेक्निक से सेपरेट किया जाएगा, तो वो टेक्निक का नाम होता है सब्लिमेशन। अमोनियम क्लोराइड की तरह कुछ दूसरे कंपाउंड्स जो होंगे, जैसे कपूर, कैम्फर, नेफ्थलीन बॉल्स आपने मार्केट में देखी होंगी, गोलियां जो रजाई वगैरह में, ऊनी कपड़े जब हम स्टोर करके रखते हैं तो उनमें सफ़ेद गोलियां डाल दी जाती हैं, नेफ्थलीन बॉल्स, एंथ्रासीन, ये सारे आपके सीधे सॉलिड से गैस में बदलने वाले कंपाउंड हैं, जिनको हम सब्लिमेशन की टेक्निक से, अगर वो किसी दूसरे कंपाउंड के साथ मिक्स किए गए हैं तो हम उनको सेपरेट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगली टेक्निक आपकी आ जाती है क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी से हम किसको सेपरेट करेंगे, क्रोमैटोग्राफी से हम ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे मिक्सचर्स को सेपरेट करेंगे जिसमें काफ़ी सारे कलर्स अंदर होंगे पर अभी हमको नहीं नज़र आ रहे हैं। देखिए, क्रोमैटोग्राफी वर्ड में ही छुपा हुआ है, क्रोमा, क्रोमा मीन्स होता है कलर, ठीक है। क्रोमैटोग्राफी में जो क्रोमा वर्ड है उसका मतलब होता है कलर्स। तो जो डाई ब्लैक इंक होती है, ब्लैक इंक होती है, उसमें अंदर काफ़ी सारे कलर्स होते हैं बट वो हमको ब्लैक इंक के रूप में दिखाई देती है। तो जब हम उसको क्रोमैटोग्राफी टेक्निक से सेपरेट करते हैं तो उसमें कलर्स डिफरेंट डिफरेंट बेल्ट पे हमको अलग अलग दिखाई देते हैं। अब क्रोमैटोग्राफी आपको डीप में नहीं है, हायर क्लासेस में रहती है, लेकिन हाँ, समझने के लिए कि जैसे जो हम लोग एक स्लाइड ले लेते हैं नॉर्मली बायोलॉजी लैब में, आप लोगों को शायद माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करने में आप लोगों ने देखी होगी, एक स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है, और उस पर हम क्या रख देते हैं, एक फिल्टर पेपर रख देते हैं, ठीक है। फिल्टर पेपर रखा, उस फिल्टर पेपर पे हम एक ब्लैक इंक का स्पॉट लगा देते हैं, जैसे इसमें यहाँ लगाया हुआ है, और उस फिल्टर पेपर को हम किस में डालते हैं, पानी में। उस पानी को, पानी में हमें पूरा नहीं डाल देना है, जहां हमने स्पॉट लगाया है उससे नीचे वाटर का लेवल रहेगा, ठीक है। तो फिल्टर पेपर बहुत ही थिन पेपर होता है, तो उसमें जो होता है पानी को वो अपने ऊपर, पानी उसमें ऊपर धीरे 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 चढ़ने लगता है। तो जो डाई में कलर्स होते हैं वो अपनी सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग उसमें बैंड्स, लेयर्स बनाने लगते हैं। ये आप प्रैक्टिकली अगर आप लोग लैब में देखेंगे तो आपको दिखाई भी देगा, जो ज़्यादा सॉल्युबल, जैसे इंक में काफ़ी सारे कलर्स हैं, रेड है, ग्रीन है, तो मान लीजिए अगर रेड सॉल्युबल ज़्यादा है वाटर में तो उसकी लेयर आपको पहले बनी दिखने लगेगी, फिर दूसरे कलर की बाद में दिखने लगेगी। इस तरह से सिंपल सी एक क्रोमैटोग्राफी टेक्निक होती है, ठीक है। तो आपको यहां पे क्रोमैटोग्राफी के बारे में समझ में आया।
सो फ्रेंड्स, आपको काफी सारे तरह की सेपरेटिंग टेक्निक सब समझ में आ गई होंगी। अब हमारे पास कुछ टेक्निक्स और रह जाती हैं, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन। क्योंकि डिस्टिलेशन थोड़ा सा ज्यादा इलेबोरेशन उसमें जरूरत है, इलेबोरेशन की, तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। साथ साथ जो एक्सरसाइज में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रह जाते हैं, हम उनको कवर करके ये चैप्टर खत्म करेंगे। आपको जो भी आपकी क्वेरीज हो, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, तो उसको सॉल्व कर दिया जाएगा।